जिला कवर्धा ब्लॉक पंडरिया के 30 किलोमीटर दूरी ग्राम बदना के प्राथमिक शाला में 60 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। 2010 से एक ही शिक्षक हैं। सरकार शिक्षा कानून की बात करती है, लेकिन वहां शिक्षा कमी के कारण बच्चे पढ़ाई से प्रभावित हो रहे हैं। मैं दीना गणवीर और ये है मेरा समुदाय। अब इसको जोड़ दो आपस में, सुन, 5 का 5 होगा, 2 का 2 हो जाएगा। समझ में आ गया ना? जी। ना? सर आप कब से यहाँ पे पढ़ा रहे हैं? मैं 19/7/2012 से यहाँ पढ़ा रहा हूँ। और यहाँ शिक्षक कितने हैं सर? शिक्षक अकेला है लगभग, मेरे ख्याल से मेरे पहले भी जो शिक्षक थे वो अकेले ही थे, वो 19/5/2010 से अकेले थे। तो 2010 से यहाँ अकेले शिक्षक है, तो यहाँ के बच्चे के दर्ज संख्या कितने हैं सर? यहाँ के बच्चे का दर्ज संख्या 60। तो आप अकेले यहाँ पे पढ़ाते हो सर, तो आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही है? पढ़ाई में तो बहुत सारे दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि वो इसके साथ साथ पढ़ाई के अलावा मेरे को गैर शिक्षा के कार्य भी किया जाना पड़ता है, और बच्चों का पढ़ाई देखता हूँ, और अकेला फिर मीटिंग में भी अटेंड करता हूँ, तो बच्चों का प्रभावी तो पढ़ाई जो है बहुत प्रभावित होता है इससे। आप मन के क्या नाम है? दिनेश कुमार ध्रुवी। आप मन कौन सा क्लास पढ़ते हो? कक्षा 5वीं। आप मन के गुरुजी तबियत खराब या कुछ कारण स्कूल नहीं आए वो दिन, आप मन कैसे पढ़ाई करते हो? खाना खाता ना चले जाता, लेकिन अच्छा से पढ़ लिख के कर्मचारी या गुरुजी बनना चाहते हैं, लेकिन हमारे लिए गुरुजी नहीं, इसी कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते। जिला शिक्षक अधिकारी से निवेदन है कि हमारे लिए जल्दी से शिक्षक भेजें। मैं इस वीडियो को इसलिए बनाई हूँ कि पिछले 10 वर्षों से बैगा समुदाय के बीच काम करती हूँ, और वहाँ शिक्षा की कमी के कारण बच्चे पढ़ाई से प्रभावित हो रहे हैं। मेरे इस वीडियो को देखने वाले दर्शकों से अनुरोध है कि ग्राम बदना के प्राथमिक शाला में शिक्षा नियुक्ति के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को 9425616649 इस नंबर में कॉल करके दबाव बनाइए। मैं दीना गणवीर, ग्राम बदना, ब्लॉक पंडरिया, जिला कवर्धा, छत्तीसगढ़, इंडिया, अनहट के लिए।